क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए बेस्ट शूज अंडर 5,000 रुपीज। अगर आपके शूज में रनिंग के बाद पैर दुखते हैं, टोज में दर्द होता है, सॉक्स बिल्कुल भीग जाती हैं, तो अभी के अभी फेंक दो। क्रिकेटर के लिए फिटनेस और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट शूज होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि शूज आपकी परफॉर्मेंस को कितना ज्यादा एनहांस करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके शूज अच्छे ना हो तो आपके ट्रेनिंग में इंजरीज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई गेम तो आप सभी लोग बाद में खेलोगे, पहले आएगी ट्रेनिंग। ऑल्सो रनिंग करते हुए और बाद में आपके पैर नहीं दुखने चाहिए। आपके रनिंग शूज सबसे ज्यादा लाइट वेट होने चाहिए। अगर आपके शूज ऐसे नहीं है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इन तीन में से अपने फेवरेट चूज कर लो। इन शूज को मैंने 5 कैटेगरीज में जज किया है, कंफर्ट, ब्रीदेबिलिटी, वेट, लुक्स और लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस। सबसे पहले है ये कल्ट स्पोर्ट के शूज, काफी न्यू एंड सरप्राइजिंगली गुड। इन शूज का हाईलाइट मुझे लगा इनका वेट। भाई वो शूज होते हैं ना जिनको पहन के लगता है कि भाई कुछ पहना ही नहीं है, बिल्कुल वैसे ही शूज हैं। मेरे लिए तो ट्रेनिंग से लेके मेरे एवरीडे शूज बन चुके हैं। कंफर्ट के मामले में मुझे टॉप नॉच लगे। इनकी जो मिडसोल की कुशनिंग है वो एकदम परफेक्ट है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे काफी अच्छी लगी, जब चलते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। ब्रीदेबिलिटी की बात करें तो इसका अपर मटेरियल मेश का बना हुआ है तो काफी ब्रीदेबल है, जिसकी वजह से ना ही आपको ज्यादा पसीने आते हैं और ना ही शूज में स्मेल होती है। चलो इनका वेट चेक कर लेते हैं। इनका वेट है 488 ग्राम्स, काफी लाइट वेट यार, ऐसा लगता ही नहीं है कि शूज पहने हुए हैं। और ट्रेनिंग शूज का तो पता ही है आपको, जितने लाइट वेट हो सके उतने लाइट होने चाहिए। अरे रनिंग करते हुए किसको एक्स्ट्रा वेट उठाना है। नेक्स्ट पॉइंट है लुक्स। लुक्स आर जस्ट परफेक्ट, ट्रेनिंग या आउटडोर वर्कआउट में तो पहन ही सकते हैं और साथ ही साथ कैजुअल में भी अच्छे लगेंगे, टोटल ऑलराउंडर लगे मुझे तो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस। भाई प्राइस जान के शॉक हो जाओगे, मुझे ये कल्ट स्पोर्ट के शूज पड़े ओनली ₹2,800 के। भाई मार्केट में इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज कॉस्टली ही मिलते हैं, तो मेरे को प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अब बारी आती है नेक्स्ट शूज की, ये है एडिडास गैलेक्सी 6। ये शूज स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इनका बेस एकदम सॉलिड है और मिडसोल कुशनिंग चंकी है, तो अच्छा शॉक अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे आपके पैर पे कम इम्पैक्ट पड़ता है और रनिंग एफिशिएंसी अच्छी रहती है। और इसके साथ भाई साहब इसका आउटसोल बहुत मस्त है, आउटसोल रिलायबल ट्रैक्शन और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके ग्रिप सोल का वेल डिजाइंड पैटर्न हर टाइप के सरफेस पे अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, चाहे वो हार्ड सरफेस हो या फिर ग्रास वाले सरफेसेस हो, मतलब स्लिप होने की कोई टेंशन ही नहीं है। हील टू टो ड्रॉप डिसेंट है, मतलब मेरे पैर स्टेबल और पेन फ्री रहते हैं चाहे रनिंग कितनी भी लंबी हो। इससे मेरी फुट मसल स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे इंजरीज का रिस्क काफी कम हो जाता है। ब्रीदेबिलिटी ओके ओके है क्योंकि मैच थोड़ा थिक है, बट ठीक है चल जाएगा। लुक्स ओके हैं, मे बी कलर की वजह से, बट अगर आपको चाहिए कि जल्दी गंदे ना हो तो उसके लिए सही है। चलो अब वेट भी चेक कर लेते हैं। इनका वेट है 608 ग्राम। एडिडास शूज का बेस जनरली हैवी रहता है, इसकी वजह से आपको एडिडास के शूज थोड़े से हैवी नजर आ सकते हैं। अब प्राइस भी देख लो, मैंने ये शूज एडिडास की वेबसाइट से लिए 3600 के। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट शू की, जो की है नाइकी MC ट्रेनर 2। कंफर्ट लेवल मस्त है यार इनका, क्योंकि मिडसोल कुशनिंग एकदम परफेक्ट है, तो जंप्स और हार्ड सरफेस पे शॉक अच्छा अब्सॉर्ब करते हैं। इंडोर वर्कआउट के लिए ग्रिप परफेक्ट है, स्लिप होने के और इंजरीज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। भाई तुम्हें तो पता ही है एथलीट को इंजरीज सबसे महंगी पड़ती है। ब्रीदेबिलिटी की बात कर लेते हैं, सिंस शूज में फ्लाई नेट मटेरियल यूज किया गया है तो एयर फ्लो बना रहता है और मॉइस्चर ज्यादा बिल्डअप नहीं होता। नाइकी के मोस्टली शूज में फ्लाई नेट मटेरियल का यूज होता है और इस फ्लाई नेट मटेरियल की वजह से भाई नाइकी शूज का ओवरऑल वेट काफी कम रहता है, तो एक ये प्लस पॉइंट है इस फ्लाई नेट मटेरियल यूज करने का। अब लाइट वेट है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। इनका वेट है 549 ग्राम। ये लो लुक्स देख लो, मुझे तो डिजाइन एंड कलर काफी अच्छा लगा, क्योंकि कलर लाइट है इसलिए गंदे जल्दी हो जाएंगे, बट यार अपने को तो चलता है, बाकी तुम्हारा भाई तो कुछ भी पहने अच्छा ही लगता है।
प्राइस की बात करें तो नाइकी है भाई, थोड़ा तो महंगा होगा ही। मेरे को ये शूज पड़े 4300 के। अब सिंस महंगे हैं तो मैं सिर्फ इंडोर या फिर जिम ट्रेनिंग के लिए यूज करता हूँ। तो भाइयों ये थे मेरे टॉप 3 शूज ट्रेनिंग के लिए अंडर 5000। अब चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर प्रोफेशनल हो, ये तीनों शूज आपके सभी नीड्स के लिए सुटेबल है। इन तीनों शूज का कम्फर्ट काफी सही है, ब्रीदेबिलिटी भी अच्छी है, लाइट वेट है और प्राइस भी सही है। कॉमेंट्स में जरूर बताना आप इन तीनों में से कौन सा शूज पिक करोगे, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके खरीद सकते हो। कीप ट्रेनिंग हार्ड एंड कीप पुशिंग योर लिमिट्स। अपना ख्याल रखिए, एज ऑलवेज टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। सबसे पहले है कल्ट स्पोर्ट केस। अब बारी आती है नए शूज की। लो लुक्स देख लो।